वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। असीं बास टीवी दे दर्शकों नूं गाहे पगाहे सिख गुरु साहिबान अते सिख इतिहास नाल जुड़े पावन अस्थाना दे दर्शन करवाते रहते हाँ। आओ अज तुहानूं दर्शन दीदारे करवाइए पहली पातशाही नाल जुड़े इस पवित्र अस्थान दे। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनियां उदासियां मौके पूरी दुनिया की यात्रा की। जिहड़ी जिहड़ी धरती नूं श्री गुरु नानक देव जी की चरण छो प्राप्त हुई उत्थे उत्थे गुरु नानक देव जी नाल संबंधित इतिहासिक गुरद्वारा साहिबान सुशोभित हैं। रूहानियत का केंद्र होने दे नाल इह गुरद्वारे सदियों तो आपसी भाईचारक सांझ की हामी भरते आ रहे हैं। सिख गुरु साहिबान ने गुरद्वारा साहिबान की उसारी करवा के अते इन्हां दे चार दरवाजे बनवा के वर्णा नूं सांझे अध्यात्मिक उपदेश नाल जोड़न का महान उपराला किया है। गुरु साहिबान दे इस परोपकारी उपराले की सदीवी गवाही दिंदा है उत्तराखंड की रमणीक घाटी विच सुभाईमान गुरद्वारा श्री रीठा साहिब। गुरु नानक देव जी अते उन्हां दे पक्के साथी भाई मरदाना जी दी इतिहासिक याद नाल जुड़िया गुरद्वारा रीठा साहिब उत्तराखंड दे समुद्री तल तो 7000 फुट की उचाई ते वसे जिला चंपावत विच स्थित है। ये ओ पवित्र अस्थान है जिथे श्री गुरु नानक देव जी अते उन्हां दे संगी भाई मरदाना जगत जलंधे नूं ठारदे होए सिद्धां नूं योग दे असली अर्थ समझाउण लई आए सन। इस अस्थान ते उस वक्त गोरखनाथ दा चेला ढेरनाथ रिहा करदा सी। जदों श्री गुरु नानक देव जी ढेरनाथ नाल जिंदगी दे असल अते सार्थिक उपदेश नूं लै के गोष्ठी कर रहे सन तां उस समय एक हैरानकुन अते बेमिसाल कौतक वापर गया। इस कौतक नाल जिथे कौड़े रीठियां विच मिठास भर गई उत्थे हंकारे नाथां दा भी हंकार दूर हो गया। हंकार दे दूर होण करके ही इत्थे नाथां जोगियां नूं श्री गुरु नानक देव जी की कमाई अते वडियाई नूं धन कहना पिया सी। इतिहासकारां मुताबिक कत्तक दी पूर्णमाशी वाले दिन श्री गुरु नानक देव जी अपने साथियां समेत जदों इस अस्थान ते आए तां उस वक्त रीठे दे एक परे होए दरख्त हेठां गोरखनाथ योगी दा चेला ढेरनाथ डेरा लाई बैठा सी। इस दरख्त दे दूजे पासे गुरु जी ने भी आसन ला लिया। गुरु जी की आमद नूं वेख के सिद्ध हैरान हो गए अते उन्हां नूं इत्थे आउण दा कारण पुछण लगे। गुरु साहिब ने जोगियां नूं दस्सिया कि अपनियां परिवारक अते समाजिक जिम्मेवारियां नूं निभाउंदे होया उस निरंकार नाल जुड़े रहना ही सच्चा योग है। बारी दिखावे कर्मकांडी जीवन अते पखंडबाजी सदका करतार दीयां खुशियां दा पात्र नहीं बनिया जा सकता। अजे विचार गोष्ठी चल ही रही सी कि भाई मरदाना जी नूं भुख लग गई। जदों उन्हां गुरु साहिब कोल कुछ खाण दी तलब जाहिर कीती तां गुरु जी कहण लगे, मरदानिया असीं तां बाहरों आए हुए परदेसी बंदे हाँ अते सिद्धां दे मेहमान हाँ, तुसीं इन्हां कोलों ही कोई पदार्थ खाण लई मंग लवो। गुरु साहिब दा हुक्म पा के जदों भाई मरदाना जी ने निम्रता पूर्वक सिद्धां कोलों भोजन की मंग की तां हंकार नाल नको नक भरे सिद्धां ने कहा, बैठे रहो ना किहों जाई, देखे शक्ति जे देहे खवाई, भाव जे तेरा गुरु सर्व कला समर्थ है तां ओह बिना कीते जाए भोजन का वसीला क्यों नहीं कर दिंदा। इस तरह असीं भी उसकी शक्ति नूं वेख लवांगे। सिद्धां दा कठोर अते हंकार भरिया विहार देख के गुरु नानक पातशाह ने रीठे दे फलां वल इशारा करके भाई मरदाना जी नूं कहा, भाई ये फल तोड़ के छक लो, करतार भली करेगा। गुरु नानक पातशाह जी दे बचन सुन के भाई मरदाना जी सोचां विच पै गए ते कहन लगे, गुरु जी मैनू क्यों मारना चाहुंदे हो, अजे तां मैं जिउणा चाहुंदा हाँ। ये रीठे तां जहर वर्गे कौड़े हन अते लोकां दे वस्त्र धोण दे काम आउंदे हन। गुरु नानक पातशाह ने अपने वाले पासे दियां रीठे दियां टाणियां वल मेहर दी नदर करदियां हस के कहा, भाई मरदाना सत करतार कह के रीठे दे दरख्त ते चढ़ जाओ, आप फल छको अते इन्हां सिद्धां नूं भी तोड़ तोड़ के छकाओ। सत वचन कह के भाई मरदाना गुरु वाले पासे दे एक टहिणे ते चढ़ गए अते रीठे तोड़ के खाण लग पए। भाई मरदाना दी हैरानी दी कोई हद ना रही जदों बाबे दी कृपा नाल जहर वर्गे रीठे शहद वर्गे मिठे हो गए।
भाई मरदाना जी ने आप रज के रीठे छके ते फिर सिद्धा नूं वी छकण लई दित्ते। शुआरिया वर्गा आनंद देण वाले रीठे जदों नाथ जोगियां दी जीव नूं लगे ता ओह वी हैरान होण ना रह सके। इस तरह सिद्धा वलों भी अपनियां तांत्रिक शक्तियां नाल अपने वाले पासे दे रीठे मिठे करन लई हाथ पैर मारे गए, पर गुरु नानक साहब दे अगे उन्हां दी कोई पेश ना गई। दरअखत दुनिया विच होर भी बहुत ने, बहुत सुंदर अते सजीले भी हैं, पर जिहड़े दरख्त उपर गुरु नानक पातशाह दी कृपा दृष्टि हो गई उसका फल ना सिर्फ कौड़े तो मिठा होया सगो नानक नाम लेवा संगतां दे सत्कार दा पात्र भी बन गया। इसे कारण ही संगतां इस रीठे वाले थां नूं रीठा साहिब आख के सत्कार दिया हन। सतसंगत जीओ, गुरमत नाल संबंधित इस पेशकारी दे विच जे कोई ऊणताई रह गई होवे तां माफ़ी चाहते हाँ। गुरु अते संगत सदा ही बख्शनहार है। कोशिश रहेगी कि अगली वीडियोज़ दे विच सुधार कर सकीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।